हमारे पास इक्वेशन दी हुए टू इफ लेस देन इक्वल टू 3x-4 एंड लेस देन इक्वल टू 5। सबसे पहले हमने यहाँ पर x को लाने के लिए यहाँ पर दोनों सभी में 4 जोड़ दिया। जब हमने 4 जोड़ा सभी में, यहाँ पर जोड़ के बाद हमने प्राप्त किया कि यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 9। फिर हमें x प्राप्त करने के लिए हमने सभी में 3 से डिवाइड करा दिया। तो हमने 3 से डिवाइड कराया, हमारे पास डिवाइड कराने पर प्राप्त हुआ 2 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू लगा है, इक्वल और इक्वल होने की वजह से जो x है वो x बिलोंग करेगा 2 और 3 के बीच। जब x 2 और 3 के बीच में है तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल होगा, इसलिए यहाँ पर 2,3। यह हमारे पास इक्वेशन दी गई है 6 x = -3 × 2x-4 एंड लेस देन 12। सबसे पहले हमने इसका अंदर गुणा कर दिया, गुणा करने पर -3 को जब 2x से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका गुणन आया 6x। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 4 × 3 = 12 इक्वेशन ये प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 12 हमें लाना है x बिलोंग टू, तो x बिलोंग टू लाने के लिए हम सभी में 12 घटा देंगे। जब हमने 12 घटाया तो इधर 6 - 12 और लेस देन इक्वल टू -6x + 12 - 12 लेस देन 12 - 12। तो हमने तब इसको 12 घटाया, घटाने के बाद हमने प्राप्त किया कि ये 12 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन ये प्राप्त होगी -6 < -6x = 0। यहाँ पर ये 6x, यहाँ पर x माइनस में है, हमने इसको प्लस करने के लिए सभी में माइनस से गुणा करा दिया, तो हमने सभी में माइनस से गुणा किया तो यहाँ पर 6। लेकिन जो x है वो 6 है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस है तो प्लस आएगा तो ये संख्या रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर जाने लगेगा, तो इसलिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। चेंज हुई कि हमने x प्राप्त करने के लिए सही में 66 डिवाइड करा दिया। जब हमने 66 डिवाइड कराया तो हमें क्वेश्चन प्राप्त हुआ 1 > x और ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल रहा है जो 1 है, 1 > x है, तो इसलिए ये क्लोज होगा, क्योंकि जो x बिलोंग्ड है वो 1 भी कर सकते हैं और 1 किसे छोटा भी हो सकता है, इसलिए 1 को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो हल होगा वो 1 भी हो सकता है। और जो 0 है, x 0 > क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 से बड़ा 1, 2, 3 ये हो सकता है, इसलिए x बिलोंग टू ओपन 0 एंड 1 क्लोज। हमारे पास इक्वेशन दी गई है -3 > 4 -7x/2 < 18। अब इसमें हम पहले नियम के अनुसार से हम इसमें -4 को दोनों साइड हम घटा देंगे, तो -3 और 4 जब इस साइड भी घटा देंगे, -4 इस साइड भी घटा देंगे, तो हमें घटाने पर हमें इक्वेशन मिल जाती है -7 < -7x/2 = 14। अब हम उसी नियम के अनुसार से हम 7/2 है तो इसका उल्टा करके 2/(-7) से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2/(-7) से मल्टीप्लाई कराने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है 2 > x > -4, क्योंकि माइनस माइनस है तो इसलिए इक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, इसलिए ग्रेटर देन लग जाएगा और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। हाँ भैया, कोशिश करो भैया। हमारे पास इक्वेशन दी गई है
इज लेस देन 3 इनटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हम इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस 15 इज लेस देन 3x माइनस 6 बाई 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब हम इस 5 को ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास माइनस 75 इज लेस देन 3x माइनस 6 अपॉन 5 इंटू 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी 3x माइनस 75 इज लेस देन 3x माइनस 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तब यहाँ हम यहाँ पर हम सब पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पे माइनस 25 इज लेस देन एक्स माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। उसके बाद हम ये माइनस 2 को दोनों साइड पूरे इक्वेशन में प्लस 2 के प्लस माइनस को प्लस में चेंज करके दोनों साइड पूरे इक्वेशन में जोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा माइनस 25 प्लस 2 इज लेस देन एक्स माइनस 2 प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस 2। तो इसके बाद हमें सॉल्व करने पर माइनस 23 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 मिल जाएगा। उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 23 कॉमा 2 इज क्लोज इंटरवल आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन दिया गया है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन एक्स प्लस 1 कॉमा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स 2 माइनस एक्स। सबसे पहले हम इसे 2 से गुणा कर देते हैं, 2x माइनस 2 इज लेस देन एक्स प्लस 5 कॉमा 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। टू एक्स और x को इधर ले आते हैं, 2x माइनस 1 इज लेस देन 5 प्लस 2 3x प्लस x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6 x इज लेस देन 7 कॉमा 4x is greater than minus 4। तो x is less than 7 comma x is greater than minus 1। minus 1 comma 7 जो कि हमें इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 7
आठ, इसमें दिया गया है माइनस एक से लेकर सात तक, तो हम यहाँ तक करेंगे। हमें इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस सेवन इज ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स कॉमा सिक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। सबसे पहले हम इसमें इसको 3x माइनस सेवन इज ग्रेटर देन 2 से इसको गुणा करा देते हैं 2x माइनस 12 कॉमा सिक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। 3x 2x को इधर ले आते हैं, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 12 एंड प्लस 7 कॉमा 6 माइनस 11 इज ग्रेटर देन 2x प्लस x। थ्री एक्स में माइनस टू एक्स एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव कॉमा इलेवन में सिक्स माइनस करते हैं तो माइनस फाइव इज एक्स टू एक्स में माइनस टू एक्स में एक्स माइनस करते हैं तो माइनस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव कॉमा माइनस से माइनस कट जाएगा फाइव इज ग्रेटर देन एक्स। सर कहाँ? इधर माइनस फाइव रहा, इधर माइनस एक्स रहा, माइनस माइनस कट गया। सर बात वही है सर, ऐसे पहले ही काट दिए माइनस माइनस। माइनस फाइव कॉमा फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हमें इसे माइनस फाइव से प्लस फाइव तक करना है तो इसे मिस्टेक्स में करते, जैसे मान लो तुम माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, इनक्वालिटी बाद में चेंज करते हो। जैसे ही तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वालिटी उसी वक्त चेंज कर दोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि इन्होंने क्या किया, माइनस फोर से डिवाइड किया और इनक्वालिटी चेंज उन्होंने यहाँ पे आके किया। आपको क्या करना, माइनस फोर से डिवाइड किया तुरंत ही इनक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? जैसे आप सभी ने गलती की है, थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है, ये गलती आपको सुधारनी है कि जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे माइनस से डिवाइड करेंगे वैसे इनक्वालिटी चेंज होगी जैसे हम डिवाइड करेंगे उसको। नए सिस्टम में नहीं उसी सिस्टम में चेंज करो, ठीक है? पहली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक ये है कि आप जैसे इसने फॉलो किया, किसी ने इक्वल टू लगाया नहीं, किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बराबर लगाते जाओ। जैसे अभी ये अलग अलग चल रहे हैं, इनको कॉम्बाइंड दिखा दो। कॉम्बाइंड मतलब एक स्टेप से मैं ऐड ये कर सकते हो कि जो मेरा एक्स है वो मेरा 11 और माइनस 7 के बीच में है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरा इसके बीच में है, ठीक है ये। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ये, तो आप बताओ ना कि एक्स बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, तो अब ये चीज़ लगाओ। आप लोग सीधे इक्वल इंटरवल लिख के चले जाते हो, वो गलत बात है। आप इसको लिखो कि हाँ एक्स बिलोंग्स टू दिस, मतलब एक्स का मान जो आएगा वो यहाँ से निकाला जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करेगी, मतलब यहाँ से ली जा सकती है।
मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और जैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हो वो तो ठीक है, आप जरूरी नहीं कि पूरे नंबर्स लिखो एंड सो ऑन लगा सकते हो, लास्ट नंबर 11 लिख दो, यानी कि एक एक नंबर हम रिप्रेजेंट करें और बीच में हमें क्योंकि रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करना है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, सिंपल हो गया। एग्जैक्टली क्लियर हुआ? तो बस आपको ऐसे ही करना है, बाकी तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, गुड लक, फिर मिलते हैं, है ना।